लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में। क्या दिन थे ना। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है और अब चिट्ठी न कोई संदेश। Everything is changed due to this digitalization and changing day by day. And virtual message is evergreen technology in this pandemic and it will be future also. Hi, welcome you in Balusha Educare. Hi, hello. What's up? How are you? How is your health and wealth? So, for such a question, you can reply in one click. That is known as a virtual message. Let's learn how to draft virtual message in this video. अब तो पूछोगे क्या जरूरत है हमें virtual message सीखने की? हम पहले से ही दोस्तों को via WhatsApp, Zoom, Skype, Messenger पे मैसेज करते हैं। Yes, you are perfectly true. Imagine that you are at home and you got call from dad's office. That time you need to tell your dad as you are moving out from your home quickly, and so you are sending your dad message. Also that time you need to mention that call from home, at what time, what exactly message, what he need to reply. Or sometimes there may be a message from your boss or from your manager, from your teacher, that meeting or class will be on so and so time. That time you need to draft everything very formally in any particular draft. 3.5 class 12 English 4 months. Let's learn today a format of drafting virtual message and one live, two live solve example, formal and informal with Balusha Educare. Watch the video till the end. दोस्तों पुराने जमाने में लोगों तक पहुंचाने का एक ही जरिया था, वो है लेटर और फिजिकल कम्युनिकेशन. Nowadays things are changing due to this advanced technology. Now we have the communication which is known as a virtual communication. 3.5 drafting virtual message class 12 writing skill section के सभी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है टू गेट यू गुड स्कोर इन द एग्जामिनेशन. लेट्स लर्न वर्चुअल कम्युनिकेशन इन डिटेल. वर्चुअल मैसेज कैन बी सेड वाया ऑडियो वीडियो. इट वॉज अर्लियर वाया टेलीफोन, वेबकैम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट कम्युनिकेशन वाया व्हाट्सअप अवेलेबल नाउअडे, एंड विच वी आर यूजिंग एंड गेटिंग इन टच विथ अवर फ्रेंड विच इज नोन एज अ वर्चुअल कम्युनिकेशन. देर आर 6 मेजर टाइप्स ऑफ मैसेजेस वॉट वी आर यूजिंग डे टू डे लाइफ. फर्स्ट वन डायरेक्शनल मैसेज वॉट यू शुड डू. हैव यू सीन दिस लोगो ऑफ नाइकी, जस्ट डू इट, और द लोगो ऑफ एप्पल, थिंक डिफरेंटली, विच इज नोन एज अ डायरेक्शनल मैसेज. नेक्स्ट मैसेज ऑफ पॉसिबिलिटी, दिस काइंड ऑफ मैसेज इज नोन एज यस वी कैन. दिस लोगो इज यूज इन बराक ओबामा वाइल हिज कैंपेन, और नो मैटर हाउ टफ यू फील देयर ऑलवेज अ वे. दिस इज नोन एज मैसेज ऑफ पॉसिबिलिटी. थर्ड मैसेज ऑफ रियलिटी, ए रियलिटी के बारे में आपको बताता है. यू नो दिस गांधी जी कोट, योर लाइफ इज योर मैसेज. सो आपकी लाइफ ही आपका मैसेज है, विच इज नोन एज अ मैसेज ऑफ रियलिटी. मैसेज ऑफ नेसेसिटी, जो नेसेसरी के ऊपर डिपेंड होता है, जिसकी ज़रूरत है उसके रिलेटेड हम मैसेज लोगों तक पहुँचा सकते हैं एज पर द प्रोडक्ट, एज पर द एडवर्टाइजमेंट, उसके हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस नीड्स टू इवॉल्व टू क्रिएट अ ब्राइटर फ्यूचर, ये मैसेज ऑफ नेसेसिटी है, नीड. आर यू न्यू आइडिया मैसेजेस, ऐसे मैसेजेस लोगों तक
क्रिएटिवली पहुंचाने की प्रयास किया जाता है। अभी कोविड में भी आपने देखा होगा, स्टे होम स्टे सेफ, इवन दो माझी कुटुंब माझी जबाबदारी, सो दीज आर द स्लोगन्स यूज क्रिएटिवली टू गेट यू एग्जैक्ट मैसेज एंड 6-1 रीफ्रेमिंग मैसेजेस। बहुत टाइम हमको ऐसा लगता है कि हमने एक को किसी को मैसेज किया, अरे मैंने ऐसा मैसेज नहीं करना चाहिए था, आई शुड ड्रॉप लाइक दिस, सो दिस इज नोन एज अ रीफ्रेमिंग मैसेजेस एंड दिस आर द मेजर 6 टाइप वी आर यूजिंग डेली लाइफ एंड वी शुड know this because as per our intention we can draft message, we can draft virtual message with the help of the drafting virtual message video. Now due to this technology everything is available on one touch, and via in this video you will learn how to draft easily and advantages of virtual communication also. सो अवेलेबल विद इन अ क्लिक, एक ही क्लिक में आप बहुत दूर तक पहुंचा सकते हो और मनी सेंड करना, कुछ बाय करना एक ही क्लिक में आप कर सकते हो। इसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ईजियर हो चुकी है टू कम्युनिकेट एंड टू गेट इन टच विद पीपल। कॉस्ट और टाइम के बारे में तो सेविंग है ही है, साथ में साथ ही साथ वो 24/7 ईजीली हर एक के लिए अवेलेबल है, इसके लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट है डे बाय डे और बढ़ रहा है। नाउ सी फॉर्मेट ऑफ मैसेज राइटिंग, this format we should use while writing or drafting virtual message. First of all, first में आपको मैसेज लिखना है क्या मैसेज है, उसके बाद में लेफ्ट साइड पुट डेट देन टाइम देन आफ्टर दैट लीव अ लाइन ब्लैंक एंड देन नेम ऑफ पर्सन टू हुम मैसेज डायरेक्टेड, आप किसको मैसेज भेज रहे हैं उसको यहाँ पे नाम आ जाएगा। इन बिटवीन बॉडी ऑफ द मैसेज में 4-6 लाइन मीन्स 50 वर्ड्स में ही आपको मैसेज लिखना है, उसके बाद लीव वन लाइन एंड नेम ऑफ द राइटर जो मैसेज लिख रहा है उसका नाम आएगा। इट्स अ वेरी सिंपल ईजी, यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस फॉर्मेट ऑफ मैसेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर वाइल ड्राफ्टिंग मैसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल शुड बी रिटन नॉट एडिशन should be there while drafting virtual message. Next one, no new information should be added, जो message है उसके related ही आपको उसमें लिखना है। Grammatically correct sentence should be there, check whether spelling mistakes are there or not. Use direct or reported speech while drafting such a message. Message should be simple and clear, no short form should be used in virtual message. Check before you submit or send. सबमिट करने से पहले, सेंड करने से पहले एक बार देखो आपने बराबर वो मैसेज को ड्राफ्ट किया है कि नहीं। यूज़ फ्रेंडली एंड पोलाइट टोन लैंग्वेज एंड अवॉइड पन एम्बिग्युटी विटिसिज्म, डबल मीनिंग के वर्ड्स है वो यूज़ नहीं करने हैं। दिस इज नोन एज फॉर मास एंड नाउ मास विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस, कंटेन टू मास, सीक्वेंस फ्लो ऑफ आइडियल 1 मास, एप्रोप्रिएटनेस 1 मास, टोटल दिस क्वेश्चन इज फॉर 4 मास। कंटेंट में जो भी हम मेन मैसेज ड्राफ्ट करें उसको कंटेंट, सीक्वेंस फ्लो ऑफ आइडिया सीक्वेंस जो ड्राफ्टिंग का, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट देन टाइम देन टू हुम सेंडर देन एग्जैक्ट मैसेज देन, उसको सब सीक्वेंस में होना चाहिए। एंड देन एप्रोप्रिएटनेस एज पर एज लैंग्वेज कर्सन, इजिली आपको यहाँ पे 4 out of 4 मार्क्स मिल सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी वे टू ड्राफ्ट वर्चुअल मैसेज, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि मोबाइल पे व्हाट्सएप पे कैसे मैसेज करना है और उसी को ही हम खाली फॉर्मल वे में इस वीडियो में सीख रहे हैं। एंड दोस्तों आपको थोड़ा टाइम के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जल्दी खत्म नहीं होता है, तो हमें 15 मिनट मैक्स टू मैक्स 15 मिनट इसके ऊपर स्पेंड करने हैं। मिनिमम 10 मिनट्स में होता है तो बहुत अच्छा है। एंड देन लेट्स सी वन एग्जांपल ऑन वर्चुअल ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, यू आर द मॉनिटर ऑफ योर 12th साइंस क्लास, योर क्लास टीचर एंड इंग्लिश टीचर कॉल्स यू एंड टोल्ड यू अबाउट इवनिंग ऑनलाइन लेक्चर, गिव मैसेज टू योर फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन साथ में पॉइंट्स भी दिए रहेंगे और पॉइंट्स इस तरह से हो सकते हैं, और आपको विद हेल्प ऑफ दिस पॉइंट से आपको एक मैसेज ड्राफ्ट करना है विच इज नोन एज वर्चुअल मैसेज। एंड मैसेज विल बी लाइक दिस, ऑनलाइन लेक्चर ऑफ इंग्लिश डेट 5th August 2020। नाउ टाइम भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, 10:30 PM। डियर फ्रेंड्स, अवर क्लास टीचर मिस्टर ढाकने सर हैज जस्ट टोल्ड मी टू गिव मैसेज अबाउट जूम मीटिंग ऑफ टुडेज इवनिंग, द लेक्चर विल बी at 6:30 PM. The topic is
1.1 and Astrologer's Day by R.K. Narayan. Please do join in time, meeting ID, password, because this meeting will be on Zoom. So you need to write, and Smita, those who written this message, monitor 12 class 12. So इस तरह से इजीली आप सीख सकते हो वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करना और इजीली आप इसमें अच्छा स्कोर्स कर सकते हो. नाउ वी विल सी वन मोर एग्जांपल व्हिच विल बी इनफॉर्मल वे में हम किस तरह से ड्राफ्टिंग मैसेज करेंगे. एग्जांपल ऑन यू रिसीव अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम योर मदर्स ऑफिस. शी इज नॉट एट होम एंड यू हैव टू फॉलोइंग द कन्वर्सेशन विद द स्पीकर बट यू हैव टू गो फॉर योर ट्यूशन क्लास नाउ. सो यू लीव मैसेज फॉर योर मदर. राइट मैसेज विद इन 50 वर्ड्स यूजिंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो. डू नॉट एड एनी न्यू इन्फॉर्मेशन. दिस कैन बी क्वेश्चन विल बी देयर इन द एग्जामिनेशन एंड हियर व्हाट यू हैड कन्वर्सेशन विद दैट स्पीकर in between Amuj and Mr. Rastogi regarding what time, regarding everything, what is conversation happening with Rastogi and Amuj, Mr. Rastogi and Amuj, this all a conversation, and with this conversation, this is what you drafted the message. You can draft message, first of all message, then you put the date, time, and then the main message with not even addition any point and with your name as you received the call and you were giving to the message. See, lines are very short. Mom, Mr. Rastogi from the office called up to say that the meeting fixed for tomorrow has been rescheduled. He wants to check your mail as soon as possible for the details. He said it was urgent. See, dear friend, within 50 words, not more than the 50 words, you need to draft a message. So it should be very concise, clear. I hope you understand virtual message, how to draft virtual message. Thank you and bye-bye.